हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर फाइन। सो आज जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता सेंटर। ये है न्यू टाउन में। और चलिए कैसे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टाटा मेडिकल सेंटर में जाने के लिए आपको जो करना है बेसिकली विश्व बांग्ला गेट जो है, और 2 आवर्स नारकेल बागान ऑटो स्टैंड, तो वहाँ से अगर आप जाएंगे तो नियर अबाउट 10 मिनट्स के अंदर आप पहुँच जाएंगे। यू कैन टेक उबेर और एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है। तो देख सकते हैं न्यू टाउन एरिया बहुत ही डेवलप हो चुका है। ये रिसेंट एक वीडियो है इन द ईयर ऑफ 2023, तो रिसेंटली विजिट किए थे। मेरा पापा का रेगुलर एक कंसल्टेशन के लिए, चेकअप करने के लिए। तो हम लोगों को सभी को पता है टाटा मेडिकल सेंटर नॉर्मली जो कैंसर इंस्टीट्यूट है बेसिकली लोकेटेड इन बॉम्बे। सो कोलकाता में एक ब्रांच है, इट्स मोर देन 7 to 10 ईयर्स ओपन हो चुका है कोलकाता सेंटर में। एंड हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे एक बार अगर नॉर्मल प्रोसीड्योर में कंसल्टेशन अगर एक बार यहाँ पे हो जाए, ताकि डेली बेसिस में मतलब मंथ वाइज मतलब बॉम्बे जाने के लिए भी टाइम बहुत निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो वी आर प्लानिंग टू मूव कोलकाता ब्रांच सो दैट वी कैन गेट सम नॉर्मल कंसल्टेशन हियर। एंड तो ओवरऑल मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन and the cleanliness and the entire the area। तो ये है मेन एंट्रांस, आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी और कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो आगे चलते हैं। नॉर्मली ये पार्किंग जोन है, यहाँ पे आप पार्किंग करके अंदर जा सकते हैं। बहुत बहुत ही बड़ा एरिया है टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता ब्रांच न्यू टाउन में। तो ये जो नॉर्मल एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस में हम लोग जा रहे हैं बेसिकली ये रिसेप्शनिस्ट और फ्रंट ऑफिस के लिए। एंड यू कैन सी दिस इज़ द फ्रंट टाटा मेडिकल सेंटर ओन बाय रतन एन टाटा एंड 16 May 2011, मींस मोर देन 10 ईयर्स ये कोलकाता न्यू टाउन सेक्टर में ओपन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे जो अच्छा लगा, बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता ब्रांच है। सिटिंग मतलब पेशेंट वेटिंग एरिया है, रिसेप्शंस है, फिर आप अगर आप चाहते हैं डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको जो प्रोसीड्योर है वो भी वहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ही आसान में आपको मिल जाएगा लाइन में। इंटायर एरिया देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है और ऑर्गेनाइज्ड है। रिसेप्शंस के जो राइट हैंड साइड में है वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आपका जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है उसके रिगार्डिंग। तो एक बार कैंपस में अंदर जाके एक बार आपको जितना भी एक्सटीरियर हो सके मैं आपको एक बार दिखा दूँ। बहुत ही बड़ा एरिया है, मतलब यहाँ पर नॉर्मल कोई भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अगर आप कराना चाहते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ऑफलाइन आके मतलब यहाँ पे इन फिज़िकल आके ही आपको बुक करने से अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन शो करना होगा ऑन द व्हिच बेसिस आप यहाँ पे डॉक्टर का कंसल्टेशन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट पर आके आपको यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना है। तो नॉर्मली यू कैन गेट द डेट, अगर डॉक्टर अवेलेबल होता है तो ऑब्वियसली आप यू कैन गेट द डेट विद इन 1 वीक्स, और इट मे बी डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर अवेलेबिलिटी यू कैन गेट लाइक एक महीना भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, कौन सा डिपार्टमेंट आप दिखाना चाहते हैं डॉक्टर। सो
फ़ोन करके नॉर्मली अगर आप चाहते हैं, अगर आप आउट ऑफ कोलकाता हैं तो फ़ोन करके नॉर्मल जो रिसेप्शन का जो एरिया है वहाँ पे आप फ़ोन करके आप डॉक्टर का अवेलेबिलिटी पूछ सकते हैं। पर आई थिंक ये यहाँ पे नॉर्मल जो बुकिंग प्रोसीड्यर है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, आपको फर्स्ट आपको यहाँ पे एक बार आना होगा, फिर उसके बाद अगर आप डेट कैंसिल करना चाहते हैं या डेट को मतलब पीछे करना चाहते हैं तो वो फ़ोन पे हो जाएगा। क्योंकि पहले आपको आके यहाँ पे एक बार इनिशियली आपको एक बार आके एक पेशेंट का नाम को एक बार एंट्री करवाना होगा, वो फिज़िकली आपको आके करना होगा। तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, नॉर्मली आपका नाम एंटर हो जाएगा, फिर उसके बाद जब आप डॉक्टर दिखाएंगे उसके बाद आपका बिलिंग प्रोसीड्यर स्टार्ट होगा। सो इनिशियली फॉर अपॉइंटमेंट गेट एन अपॉइंटमेंट यू कैन गेट इट डन बाय फ्री, एंड उसके बाद जब आपको डेट दिया जाएगा उसके बाद ही आपको मतलब आना होगा, फिर उस दिन ही आपका बिलिंग का प्रोसीड्यर स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ द एंटायर एरिया, आप देख सकते हैं कितना मतलब क्लीन है जगह, और कितना मतलब डिपार्टमेंट तो मैं मतलब फेस करके वहाँ पे मेंशन है, फेज़ वन फेज़ टू फेज़ थ्री ऐसे करके मेंशन है। और मतलब एंटायर एरिया को अगर मैं पैदल भी जाऊँ तो उसको मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। सो जितना हो सके मतलब आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मतलब इस वीडियो के दौरान। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्राम बांग्लादेश और आउट ऑफ कोलकाता, सो उनके लिए एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अगर इनिशियली फॉर आप फ़ोन करके आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ़ोन नंबर वेबसाइट और डायरेक्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे फ़ोन करके आप आ सकते हैं। फिर उसके बाद इनिशियली फ़ोन करके आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फिर उसके बाद आपको एक बार वहाँ पे आना ही होगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है वो प्रॉब्लम आप एक बार शेयर करिए जो रिसेप्शन में जो रहेगा उनके साथ, फिर उसके बाद अगर बाय ऑनलाइन अगर वो लोग डेट दे देता है तो बहुत ही अच्छा है। पर मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे एक बार आना होगा फॉर डॉक्टर अपॉइंटमेंट, फिर उसके बाद अगर आप डेट को मतलब चेंज करना चाहते हैं तो ओवर द टेलीफोन वो चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर ट्रीटमेंट, एवरीथिंग फार्मेसी से लेके सब कुछ यहाँ पे है। बहुत बड़ा एरिया है आप देख सकते हैं, मतलब मैं तो एरिया को मतलब पैदल भी कंप्लीट नहीं कर पाया। सो दिस इज़ अ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जितना हो सके मैं डायरेक्शंस, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट में सब कुछ मेंशन कर दूंगा, आई बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक बार चेक कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। सो मैं जितना हो सके मेरे पास जो नॉलेज है मैं शेयर करूँगा। न्यू टाउन नारकेल बागान जो ऑटो स्टैंड है वहाँ से आपका मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेगा बाय कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड ये बेसिकली टाटा मेडिकल सेंटर बॉम्बे का एक ब्रांच है, पर इंडिपेंडेंट एक ब्रांच है कोलकाता का एक मतलब पेरेंट जो लोकेशन है बेसिकली बॉम्बे, एंड दिस इज़ अ अनदर ब्रांच इन कोलकाता, मेन ब्रांच इन कोलकाता। सम ऑफ द लेआउट आर मतलब देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक बिल्डिंग से आप दूसरा बिल्डिंग में जा सकते हैं तो उसके लिए भी मतलब एक वे आउट है। आपको नीचे से मतलब पैदल में मतलब टाइम आप सेव करने के लिए आपको यहाँ से आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये पब्लिक टॉयलेट है, वॉशरूम है, और डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पे सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रिसेप्शन एरिया में, और कौन सा फ्लोर में कौन सा डॉक्टर है अवेलेबल, कौन सा रूम नंबर है, कौन सा फेज़ में आपको जाना होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इधर अच्छे टाटा मेडिकल सेंटर, टाटा मेडिकल कैंसर इंस्टीट्यूट, जेटा हमरा जानी बॉम्बे ते एक ब्रांच आछे, तो इटा कोलकाता ब्रांच टाटा मेडिकल सेंटर।
ফেজ ওয়ান ফেজ টু এদের অনেকগুলো ফেজ আছে, ফেজ ওয়াইজ এদের ডিপার্টমেন্টে হয়। চলো, এখানে বাবাকে নিয়ে এসেছিলাম কিছু এনকোয়ারি করার জন্যে আর ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্যে। সো দেখি বাবা, আজকের ভিডিও আর মিলতে হ্যাঁ নেক্সট ভিডিও মে। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।